हेलो दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा टैली कूल ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर आप टैली की कुछ कूल ट्रिक्स को देखेंगे जिससे आपका टैली पर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और साथ ही साथ आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेंज के बारे में। रेंज ऑप्शन आपकी हेल्प करता है आपके डेटा को फिल्टर करके डिस्प्ले कराने के लिए। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप अपना काम बहुत तेज़ी से करते हैं तो ये आपके बॉस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है और आपका बॉस बहुत ज़्यादा खुश होकर के आपकी सैलरी को ज़रूर इंक्रीज कर देगा। पार्ट ऑफ जॉब। ओके, सो रेंज का इस्तेमाल करते हैं। रेंज वेल ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक कूल ट्रिक शॉर्टकट की लेनी है, Alt F12। आपके पास रेंज बॉक्स आ गया, यहाँ पर हम वाउचर ले रहे हैं और इसमें हम लेजर अमाउंट इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। आपको 2000 रुपये से ज़्यादा की सारी एंट्री देखनी है। ये जितनी भी एंट्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी 2000 रुपये से ज़्यादा की हैं। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं। आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर लेजर की एंट्री को देखना तो आप सेम ट्रिक ले सकते हैं, Alt F12 वाउचर, और यहाँ पर आपने लेजर का नाम दिया लेजर। आपने इसको लेजर नेम इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन नहीं लेना है हमें, इक्वल्स टू आपने एक लेजर का नाम दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसे दिया श्यामलाल। अब ये आपको जितनी भी एंट्री दिखा रहा है वो सारी की सारी एंट्री श्यामलाल की है। ठीक है, आप चाहें तो इस डेटा को एमएस वर्ड में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना है Alt E एक्सपोर्ट, और इस फाइल को हम भेज रहे हैं आपके एक्सेल में। फाइल का D:root और फोल्डर का नाम है एक्सपो। हमारी एक फोल्डर है जिसमें हम एक फाइल बना के भेज रहे हैं जो कि मैंने अपने नाम से दी, RAJIV राजीव। एक्सेप्ट कराइए कंट्रोल A से। अगर आपके एक्सेल में सब कुछ ठीक है तो ये डायरेक्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ एक्सपोर्ट आ रहा है, इसका मतलब एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम है, ये एक्सेल में ओपन नहीं हो रहा है। आपको फिर अपने ड्राइव में जाना होगा जहाँ पर आपने फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव किया है। आपका फोल्डर चूज़ कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे राजीव नाम की एक फाइल है, इस राजीव पर राइट क्लिक कीजिए। आप इसको किसी भी फाइल फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं, एक्सेल, HTML, वर्ड। तो ये दो कूल ट्रिक आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्टर कर देगी। और आप एक्सेल जानते हैं तो आप एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप हमारी एक्सेल की वीडियो से भी बेनिफिट ले सकते हैं अपने काम को फास्टर बनाने के लिए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस राइट करें। थैंक यू।